डियर स्टूडेंट्स, तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एगल विथ ए बास्केट का जो समरी था वो देखा, सामान्य रूप से जो समरी थी वो देखा गया, विलियम सी डगलस जी के द्वारा लिखा हुआ। अब हम लोग आज ये देखेंगे कि इस लेसन में लिखा क्या गया है। एक एक स्टेप पर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लेसन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैं नई दिल्ली से हिमालयवर्ती क्षेत्र के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली तक की यात्रा मैं ट्रेन से किया, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद कार से रानीखेत तक। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-covered Himalayas। ये लाइन क्या कह रहा है इसे एक बार फिर से आप सुनिए कि रानी खेत के सामने आपने देखा होगा कि डैश बना हुआ है। रानी खेत की यहाँ विशेषता क्या है या रानी खेत क्यों इतना फेमस है, क्यों वहां नाम आया है, इसे आप देख लीजिए। पूरा पैराग्राफ ही हम आपके लिए एक बार फिर से देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, यानी मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, बरेली तक मैं ट्रेन से जा रहा था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद वहां से रानीखेत तक की यात्रा कार से कर रहा था। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas, यानी जो बर्फ से ढके हिमालय के 120 मील वाले विस्तार में ऊंची पहाड़ी, यानी इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट कितनी ऊंचाई दिया है, 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित था। और स्थित ही नहीं, उस उठान पर 6000 फीट की ऊंचाई पर अंग्रेजी फौज की जो पहाड़ी है, यानी जो अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी है, वो स्थित थी। तो इसका मतलब रानीखेत काफी ऊंचाई पर है, 6,000 फुट पर है, और यहां पर सेना की जो फौज है उसकी पूरी छावनी है, यानी पूरी छावनी वहां पर बनी हुई थी उस समय जिस समय लेखक यात्रा कर रहा था। एंड यहां पर यह बताया जा रहा है कि द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन मंद गति से चल रही थी, ट्रेन स्लो थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह रास्ते के सभी जो भी स्टेशन पड़ते थे वहां रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, प्रत्येक बार जब भी ट्रेन रुकती थी मैं अपने कंपार्टमेंट के फाटक को खोलता था, डोर को खोलता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। स्टूडेंट्स, इस लेसन के पहले पैराग्राफ को एक बार पुनः हम लोग अध्ययन करेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, आप ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को स्पष्ट करते हुए। आई हैड लेफ्ट यानी मैं चल चुका था न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, यानी नई दिल्ली से हिमालय के लिए, यानी जो हिमालयवर्ती क्षेत्र है उस दिशा में लेखक जा रहा है। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, बरेली तक की यात्रा मैं ट्रेन से कर रहा था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद आगे की यात्रा यानी जो रानीखेत तक की यात्रा है वो मैं कार से कर रहा था। अब रानीखेत क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यानी एक पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी, हिल स्टेशन यानी पहाड़ी छावनी, लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिज अपोजिट, जो 6,000 फीट ऊंची, 6,000 फीट ऊंची वन
ये कर 6000 फुट ऊंची 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, 120 मील विस्तार वाले हिमालय के सामने स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन मंद थी, ट्रेन की गति स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर, और हर स्टॉप पर बहुत तेजी से ऐसे लहराते हुए मैं फाटक को, खिड़की यानी जो दरवाजा रहता था यानी उसे मैं खोलता था। आप माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के यानी अपने कंपार्टमेंट के, एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। और जब लेखक प्लेटफार्म पर पहुंचता था, जिस समय लेखक प्लेटफार्म पर पहुंच जाता था, उस समय प्लेटफार्म की स्थिति क्या थी, अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, पूरा प्लेटफार्म लोगों से भरा रहता था, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, मुख्य रूप से सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही यानी सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, ऐसे बहुत से लोग, और जो फेरी लगाने वाले होते हैं, ऐसे तमाम लोगों से पूरा प्लेटफार्म भरा रहता था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, अधिकांशतः जो लोग रहते थे वहां वो बेयर फुट यानी नंगे पांव, उनके पैर में कुछ रहता नहीं था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और उनके जो कपड़े होते थे वह ढीले ढाले सफेद प्रकार सफेद कपड़े रहते थे, व्हाइट गारमेंट्स रहा करते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, यानी ऐसे व्यक्ति को तलाशने के लिए जो इंग्लिश बोल सकता था, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करना पड़ता था। यानी 3 लोगों से बात करने के बाद ही तब जाकर के लेखक को कोई ऐसा मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, यानी हम लोग तब बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स पर, यानी जो दुनिया के मामले होते थे, दुनिया के जो खास बातें होती थी, खास टॉपिक्स होते थे, उस पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन समाचार पत्र के जो प्रमुख हेडिंग होती थी, मेन शीर्षक होता था, उस पर भी हम लोग चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। इन दिस वे, और इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं इस राष्ट्र के जो मूल जड़ है, राष्ट्र का जो मूल जड़ है यानी जिसे नब्ज कहा जाए, वो मैं टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, मैं लोगों के विचार को जानना चाहता था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, यानी जो ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स हैं, जो आधिकारिक रिपोर्ट हैं, जो आधिकारिक क्रियाकलाप हैं, उसके अगेंस्ट क्या है, क्या इनके विचार हैं, क्या वो चाहते हैं, ऐसे बहुत कुछ जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता था उनसे बातचीत करके। यानी बातचीत केवल इसलिए कर रहा था कि वो ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट्स और तमाम ऐसे विचारों को जानना चाहता था जिससे वो भारतीयों के मूल विचार को समझ सके। और इस प्रकार तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, ये रोड, ये सड़क, ये रूट यानी रास्ता, यानी ये जो मार्ग है, लेखक बता रहा है कि भारत के एक सबसे कृषि प्रधान क्षेत्र में से एक कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर गुजर रही थी। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, यानी भारत के जो सबसे अच्छे कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, उन्हीं में से एक क्षेत्र से होकर ये रोड गुजरती थी, ये रास्ता गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, जो यानी ऊपरी गंगा रिवर यानी गंगा नदी का जो ऊपरी हिस्सा, ऊपरी मैदान था, ऊपरी हिस्सा जो था वो मैदान था, ये 1000 फीट अब जो 1000 फीट ऊपर था सी लेवल, समुद्र तल से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, यानी समशीतोष्ण कहा जाए इसे, यानी ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल जहां पर गर्मी और वर्षा बहुत अधिक होती है, जिस जगह पर ये गर्मी और वर्षा, मतलब गर्मी और वर्षा बहुत ज्यादा होते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। ऐसे ही क्षेत्रों से होकर मेरा ये रूट गुजरता था, ऐसे ही क्षेत्र से हम लोग जा रहे थे, वो कब लेखक बता रहा है। और इस प्रकार ये जो है मुख्य रूप से द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट,
गंगा के द्वारा जो लाई हुई मिट्टी थी वो भूरी थी। सैलोन विद द फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से भर गई थी, यानी उसे बाढ़ का पानी पूरा निकल लिया था मैदान को। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, जिसमें हजारों हजार एकड़ जो धान की फसलें थी वो डूब गई थी, ओवरफ्लो हो गया था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, इसके उत्तर में जंगलात थे। ए ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, इतनी ऊंची ऊंची घासें थी जो मानव के सर से भी अधिक ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज, और एक में मिले हुए पास में झुरमुट बनाए हुए, जैसे ये पेड़ों की जो झुरमुट थी एक में मिले हुए वो भी दिखाई दे रहे थे, यानी पेड़ इतने नजदीक नजदीक थे कि उनकी जो श्रृंखलाएं थी, उनका जो ग्रुप था वो, यानी ग्रुप अलग नहीं था बल्कि वो मानो एक में जुड़े हुए हों, उनका पूरा क्लंप ऑफ ट्रीज ही दिखाई दे रहा था, पेड़ों की पूरी झुरमुट थी। द होम ऑफ टाइगर्स, जिसमें टाइगर्स एलिफेंट्स पैथन्स यानी अजगर एंड कोबरास ये सब दिखाई पड़ते थे, ये सबका मानो जैसे घर हो। एवरीवेयर ईयर्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, और दूर तक फैली हुई यानी पूरा का पूरा एकदम क्षितिज तक फैला हुआ, दूर तक मानो चारों तरफ ये मैदान दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, लेकिन इधर उधर बिंदुवत रूप से बरगद के पवित्र पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। आर बाय रोस ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा पाकर के पेड़ की कतारें भी दिखाई दे रही थी। शेप्ड लाइक यल्म्स, वो पाकर के पेड़ जैसे यल्म के आकार की थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, उनकी जो तनाएं थी बिल्कुल मोटी थी और एक में ट्विस्टेड थी, जैसे तना आपस में, जैसे तना कुछ ऐठा हुआ दिखाई दे रहा था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, और गर्म नम हवाएं चल रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवाएं, यानी हवाएं नमी लिए हुए चल रही थी। मंकीज, उसमें जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, कुछ तो अपने बेबी को अपने पास, यानी बेबी यानी जो बच्चे थे उनके, वो उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडर नीट, और इधर उधर लटक रहे थे। सिंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और वो पेड़ों को छोड़ करके स्टेशन की तरफ आ गए थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ट, और वो गांव जिधर से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, जिस गांव से हम गुजर रहे थे उस गांव की जो दीवारें थी वह मिट्टी और गोबर की बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वेयर थेस्ट, और जो उनका ऊपरी भाग था वो छप्पर था, अर्थात मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर छप्पर था। बंडल ऑफ ग्रास टाइट, जिस पर घास के बंडल कसे गए थे। बंबू पोल्स, किस आधार पर, बांस का पोल यानी बांस को आधार बना करके। स्ट्रेस्ड अक्रॉस डायरेक्टर, यानी बांस के पट्टियों को, बांस की पतली पतली पट्टियों को आधार बनाकर उस पर घास के बंडल को बांधा गया था, अर्थात पूरा का पूरा छप्पर तैयार किया गया था। That day the pumpkin vines that grew over them, और कद्दू की लताएं उस पर, where in bloom, यानी उस छप्पर पर कद्दू की लताएं, कद्दू के जो पेड़ थे यानी कद्दू की जो लताएं थी वह ऊपर खिली हुई थी, यानी trailing stress, और वो लटक करके ऐसी धारियां बना रही थी आप हेलो, जो कि पीली धारियां थी, over dry waters, उन भद्दी दीवारों पर इस कद्दू की लता की जो धारियां थी वो भी उस पर पीले रूप यानी दिखाई पड़ रही थी, उस भद्दी दीवारों पर पीली धारी बन रही थी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से लेखक नई दिल्ली से हिमालय की तरफ जा रहा है, रास्ते में रानीखेत का सिचुएशन, रानीखेत के विषय में बताया, प्लेटफॉर्म के विषय में बताया गया, उन रास्तों के विषय में बताया जिस रास्ते पर उसे वो ऊंची घास और घने पेड़ वाले और दूर तक फैले हुए विशाल मैदान, जिसमें अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु का वर्णन किया,
उन घरों का वर्णन किया जो उधर दूर दिखाई पड़ रहे थे, और इस प्रकार से लेखक इस वर्णन को करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। लेखक कहता है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का नियम बाधित हो गया, यानी जो मेरा सिलसिला था बात करने का वो टूट गया, उसमें रुकावट आ गया। क्या रुकावट आया, क्या समस्या आया? लेखक कहता है, आई सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह मुझे घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुमेन रीड बास्केट, हाथ की बनी हुई साधारण रीड बास्केट, यानी जो नरकट सरखंडा और इस तरीके की जो होती है, इस तरीके की सामान्य पैटर्न पर बनी हुई टोकरियां थी, वो लोग बेच रहे थे। विद सिंपल डिजाइन, जिसका डिजाइन भी साधारण था, नियम भी सामान्य थे, यानी साधारण पैटर्न पर बनी हुई टोकरी थी, कोई विशेष प्रकार की टोकरी नहीं थी, सिंपल प्रकार की टोकरी थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटेड वर्ड्स, और चिल्लात, यानी वो बहुत तेजी से बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं तो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लेखक हिंदी नहीं जानता था। अब वो लड़के जो भी वहां थे कहते रहे होंगे, मेरी टोकरी खरीद लीजिए खरीद, लेकिन लेखक ये नहीं जानता था कि वो सब कहना क्या चाह, यानी क्या बोल रही है, लेखक नहीं जानता था। बट कन्वे अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, इस चीज को लेखक कह रहा मैं निश्चित रूप से समझता था, यानी उनके भाव मेरे समझ में आ रहे थे, शब्द भले ही मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। इस प्रकार लेखक के समझ में ये बात आ गया कि वो जो है उसे बेचना चाह रहे थे। और इस प्रकार लेखक अभी तक ये बता दिया कि किस तरीके से एक स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चों का एक समूह उसे चारों ओर से घेर लिया, और जो टोकरी बेच रहे थे, टोकरी बेचने के लिए लेखक को इस तरीके से घेर लिए कि लेखक और किसी से और किसी टॉपिक पर बातचीत नहीं कर पाया, केवल बच्चे ही अपने बात को उसके सामने रखने लगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको ए गर्ल विथ ए बास्केट लेसन का कुछ हिस्सा, कुछ पैराग्राफ मैंने आपको बताया, कुछ पैसेज हम लोग पढ़े। अब इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, यहां से हम लोग अगले वीडियो में पुनः देखेंगे। थैंक यू।